आज मैं केविन स्टार का हैवी ड्यूटी पेपर कटर मशीन का डेमो देने जा रहा हूँ। मॉडल है KVR A200 है, जो कि ये अभी जो अवेलेबल जो है ब्लैक कलर में है। तो उसमें ये भी बताऊंगा कि इसका जो है ब्लेड कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है अंत तक देखें कि कैसे ब्लेड चेंज होता है, कैसे ऑपरेटिंग होती है इस मशीन की। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो मॉडल जो है KVR 200 है, ये कैटलॉग है इसकी KVR A3 पेपर कटर मशीन। ये जो है जो ब्लैक कलर में है आपका मॉडल जो है KVR 200 है, ये 200 मॉडल है। बहुत ही हैवी मशीन है ये। अब सबसे पहले जो है आपको उसको इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, ये इसका टूल बॉक्स है। ये टूल बॉक्स आ गया, इसमें कुछ एलिंकी दे रखी होती है ब्लेड ओपन करने के लिए और आपको हैंडल ओपन करने के लिए। जैसे ये है हैंडल को ओपन करने के लिए। अभी इसको कैसा, आज हम इसमें डेमो पेपर कैसे काटा जाता है वो दिखाएंगे और ब्लेड कैसे रिप्लेसमेंट होता है इसका। इसमें दो की दी है आपको, ये आपको हैंडल की है और ये जो है ब्लेड की होती है, जो ब्लेड कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं उसको। ये उसके बाद इसका हैंडल है, ये अभी ये इसका हैंडल है। ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, कैसे पेपर काटते हैं, देखिए ये सारे साइज दे रखे हैं हमें। ये देखिए टोटली साइज है ये सारे, ये देखिए B7 B6 ऐसे A5, ये सारे जो साइज दे रखे हैं। ये जो है अभी ये जो है अभी हम काट के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले जो है इसको काटते कैसे हैं, ये पंच के लिए है, पंचिंग के लिए, प्रेस करने के लिए इसको। अब क्या करना है आपने, अब क्या करना है आपको, सेट करना, साइज सेट करना आपको, क्या साइज सेट करना है। ये देखिए ये साइज सेट कर दीजिए, जो भी साइज आपको सेट करना है। ये मैनुअली सेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद इसको प्रेस करना है। अभी हम बीच में रखते हैं इसको, अभी ये प्रेस करेंगे हम इसको। ये 250 से 300 शीट एक बार में काटेगा आपका। अब ये है लॉक, ये इसको दबाएंगे इसको, ये देखिए ये हमारा साइज कट गया है और वापस को लॉक लगा देंगे। ये देखिए अब मैं फिनिशिंग दिखाता हूँ इसकी। ये जो है 250 से 300 शीट एक बार में काटेगा। अब क्या है कि
इसका जो ब्लेड होता है, ये ब्लेड है, और हमारे पास ये न्यू ब्लेड है। कभी ब्लेड रिप्लेस करना हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है अपने क्या करना है, इसको मशीन का ब्लेड ये हैंडल जो है नीचे करना है। अब नीचे कर दिया, टूल बॉक्स में इसका एलन की दी होगी, ये ब्लेड आपको नीचे करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको ऊपर करना है। देखिए ब्लेड को ऐसे चेंज करते हैं, ये लूज कर लीजिए पहले, इसके स्क्रू जो है सब लूज कर लीजिए। ये जो पेपर कटर मशीन है, ये KVR 2A200 मॉडल है, केविन स्टार का है, बहुत ही हैवी ड्यूटी पेपर कटर मशीन है ये। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ब्लेड कैसे चेंज करते हैं इसमें। अभी ये सारे जो स्क्रू हमने लूज कर लिए हैं, अब क्या करना है, लिंकी को दूसरी साइड से लगाना आपको, ये देखिए सारे स्क्रू लूज करके इनको बाहर निकाल लीजिए। अब ये हमने लूज कर दिए सारे, बाहर निकाल लिए। अब क्या करना आपको, ये स्क्रू आपने, उसके बाद क्या करना है, अभी ये देखिए आप हैंडल को ऊपर उठाना, आपने ऑटोमेटिक ब्लेड आपका नीचे आ जाएगा। अब ये देख, सपोज करिए ये देखिए, ये हैंडल उठाया, ब्लेड आपका नीचे आ गया। ये देखिए ये जो है ब्लेड आपका नीचे आ गया। उसके बाद क्या करना है, ये न्यू ब्लेड है, ये न्यू ब्लेड है, ये चेंज कैसे करना आपको, ये देखिए ऐसे लगाएंगे इसको, सेम जैसे निकाला था वैसे ही लगेगा ये। ये देखिए हाथ से भी लगा सकते हैं इसको, थोड़ा टाइम लगता है, एक इसका ये सिस्टम होता है नेट लगाने के लिए। ये देखिए ये, अब क्या करना आपको, जो स्क्रू निकाले थे आपने वो वापस लगाने, टाइट नहीं करने हैं, ये हल्के से लगा के छोड़ने हैं। जैसे देखिए मैंने ये लगा दिया मैंने, अब ये साइड लगा लेता हूँ एक। अब ये जो सारे स्क्रू हैं आपने धीरे धीरे करके सारे टाइट नहीं करने हैं, हल्के हल्के सेट करने हैं। ये देखिए
बता दूँ इसमें जो बता दूँ मैं टाइट कब करने हैं आपको, हल्के हल्के खाली एक दो दो चूड़ी चढ़ानी है इसकी। ये ब्लेड ऐसे चेंज करते हैं इसका, देखिए ये सारे ब्लेड आ गए, एक स्क्रू बच गया आपका, कहाँ कहाँ कैसे है आपको नहीं दिख रहा। अब क्या करना आपको, ये देखिए इसको हैंडल को नीचे करना है ऑटोमेटिक, ये देखिए यहाँ का रहेगा, अगर ऐसे ओपन होगा तो नहीं दिखेगा आपको कहाँ का है, तो उसको नीचे करना है। ये देखिए ये एक स्क्रू रह गया आपका, बच गया ये। अब ये सारे हमने सेट कर लिए, देखिए अब क्या करना आपको, टाइट करने हैं ये सारे सारे स्क्रू टाइट करने हैं। ये जो मॉडल है केविन स्टार का A200 मॉडल है, ये हैवी ड्यूटी पेपर कटर है, ये जो है 250 से 300 शीट। अभी हमारा ब्लेड जो है ये लग गया है इसके अंदर, अब देखते हैं इसमें काट के कुछ चीज। ये ब्लेड रिप्लेस कर दिया, अभी हम इसको काट के देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको लूज करेंगे थोड़ा सा, ये पहले तो आपको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। सेट कर दिया ये, हम यहाँ पे टाइट कर दीजिए इसको, चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्लेड प्रॉपर तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये क्या है कि अब इसको फिर टाइट करेंगे, हम प्रेस करेंगे, ये प्रेस कर दिया हमने, इसको काटेंगे चेक करेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए ब्लेड हमारा लग चुका है और मैंने टेस्टिंग भी कर ली इसके ऊपर, अब फिनिशिंग देख लेते हैं कैसी फिनिशिंग है ये। ये देखिए ये जो है केविन स्टार का हैवी ड्यूटी पेपर कटर मशीन है, ये आपको हमने बता दिया है कैसे कैसे ऑपरेट होता है, कौन कौन सा साइज कटेगा इसके अंदर और कितना पेपर जाएगा इसके अंदर। जैसे आपको जो है 250 से 300 शीट एक बार में कटेगी, ये A3 पेपर कटर मशीन है, ये A3 तक का साइज काटेगा ये, और 12-18 का जो है इसका ब्लेड लगा होता है। और अब क्या करना है हमने, वापस इसको ये एलेंकी होती है, दो तरह की एलेंकी मिलेगी आपको, एक तो आपको हैंडल टाइट करने के लिए एलेंकी मिलेगी, एक जो मिलेगी ब्लेड को टाइट करने के लिए, ओपन करने के लिए और टाइट करने के लिए मिलेगी आपके एलेंकी। ये दो साइज़ की एलेंकी होती है, ये केविन स्टार का पेपर कटर मशीन है, बहुत ही हैवी मशीन है ये। ये जिसका जो ब्लेड था ओल्ड ब्लेड है, ये होता है कि जैसे कोई हाथ ना लगाए, इसके लिए होता कवर दे रखा है कंपनी ने। जैसे कोई भी चीज़ काटोगे आप, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हैंडल नीचे कर दीजिए आपने काटने हैं, या कोई जैसे आप काम कर रहे हैं, ये लॉक होता है काम कर रहे हैं, इसको प्रॉपर लॉक करना आपको। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक हो सकता है आप काम कर रहे हो ये हैंडल नीचे आ जाए और आपका हाथ कट जाए, तो आपको ये लॉक करना है।
और जब इसको दोबारा वो करना है, आपको कुछ काटना है तो इसको रिलीज करना पड़ेगा आपको। रिलीज करने के बाद काटना है इसको ऐसे दबा के। ये जो मॉडल जो है हमारा KVR A200 मॉडल है, ब्लैक कलर में ये अभी। उसके आगे जो है आपको हम एक और चीज बताएंगे कि कभी कोई दिक्कत आई मशीन में तो क्या करना है आपको। इसका जो कवर ओपन हो जाता है यहाँ पे, ये कवर ओपन हो जाएगा। अभी ये हैंडल निकाला हमने, अब देखिए कवर कैसे ओपन होगा। सबसे पहले तो ये दो नट लगे होंगे, इसको ओपन करेंगे, ये खोल दिए। अब क्या है कि नीचे भी दो नट लगे होंगे इसके अंदर, ये देखिए ब्लैक कलर के, ये भी ओपन करेंगे आप इसको। ये देखिए ये कर दिया, अब ये कवर बाहर आ जाएगा। देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या दिया, ये देखिए हैंडल कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, देखिए सब चीजें रखी होती है। कभी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही कोई। ये सेटिंग होती है इसकी, जो प्रेस करने की सेटिंग होती है ऊपर नीचे की, ये होती है। तो यहाँ से लूज करके आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं इसको, मतलब जो भी है मैकेनिकल ये दे रखा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हैंडल होता है। अब दोबारा इसको कवर लगा दीजिए, एक और चीज़ बताऊँगा आपको मैं। ये हमने कवर वापस लगा दिया है, जैसे खोला था वैसे कवर लगाना आपको वापस। ये देखिए ये ऊपर के स्क्रू है, जैसे खोले थे वैसे ही लगाना है। ये देखिए, अब एक और चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा है, ये देखिए ये आ गया। अब क्या करना है कि इसको ओपन करेंगे। अब ये चीज होती है, काटते काटते कुछ चीज के दिनों के बाद ये चीज भी आपकी खराब होती है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे आप, ये देखिए ये चीज कैसे चेंज करते हैं। ये रेड पट्टी जो होती है कैसे चेंज करते हैं। अब ये पट्टी है, अब क्या करना है आपको, ये अब क्या करना है आपको, इसको पल्टी मारना है इस साइड आ जाइए। मेन चीज क्या देखनी होगी आपको, ये चीज, ये दो स्क्रू लगे होते हैं, एक ये लगा एक यहाँ लगा हुआ है, दिख रहे हैं आपको। तो क्या करना है इसको, ये देखिए लूज करना है, ये हमने लूज करा है, ये लूज कर दिया हमने। एक कस्टमर को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि ये कैसे चेंज होगी, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे चेंज होगी। ये हमने लूज कर दिया, अब क्या करना है, कोई चीज लीजिए इसको, इसको चोट मारना हल्का सा, ये देखिए चोट क्या वैसे निकल गया आपका, ये देखिए आराम से निकल गया आपका वो नेट लूज करने भी। ये देखो नेट टाइट थे ना यहाँ पे, लूज हो गए। अब क्या करना, जैसे इस साइड से खराब हो गया आपका, ये चीजें कोई नहीं बताता, अगर देखिए ये चीज खराब हो जाती है, सबसे ज्यादा ये खराब होती है। फिर क्या करना आपको, इसको खोल के ऐसे पलटी मारना है, पलटी मार के एक बार मार दिया, दूसरी बार, तीसरी बार मार दिया, दो तीन बार पलटी मार सकते हो। अब वापस भी जैसे हमने
निकाला था वैसे ही वापस लगाएंगे इसको। ये देखिए, ये डाला हमने, ये डाल दिया। डालने के बाद क्या करना है, फिर वैसे ही टाइट करना है ये चीज। क्या करना है, इसको प्रेस कर दीजिए, इसको बाहर नहीं आएगा ये। ये देखिए जैसे अभी लगा रहे थे तो ये बाहर बार बार बाहर आ रहा था। अब क्या करना है, इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए, सेटिंग पूरी आ जाएगी या अब ये बाहर नहीं आएगा आपको। अब आराम से इसको लगा सकते हैं आप। ये जो आपका जो ये कटर है, ये केविन स्टार का कटर है, ये हैवी ड्यूटी है, ये मॉडल जो है KVR 800 है ये। अब हम इसको टाइट कर देते हैं। ये टाइट कर दिया है, ब्लेड चेंज कर दिया, हमने स्ट्रिप चेंज कर दी इसकी। ये देखिए, अब चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए एकदम, ये देखिए। कभी इसको ओपन करना हो, जैसे आपका पेपर बड़ा है, लंबाई में बड़ा पेपर, हमारा तो यहाँ तक ओपन होगा, पर लंबाई में बड़ा पेपर है, आपको क्या करना है, काटना है लंबा लंबा शीट होती है, तो इसको निकाल सकते हैं आप। आपने क्या करना है, इसको मैं वैसे बता दूँ आपको। ये देखिए, यहाँ स्क्रू लगा होगा, यहाँ स्क्रू ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा कि ये प्लेट खुल जाएगी आपकी, ये प्लेट बाहर आ जाएगी। प्लेट बाहर आने के बाद उसको तो आराम से बाहर आ जाएगी, क्लोजर जो आपका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और ब्लेड चेंज कर दिया हमने, पट्टी चेंज कर दी है, ये दो 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 तीन चीजें होती है जो चेंज कर सकते हो आप। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, जैसे ये लॉक होता है, ये लॉक को रिलीज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये लगाया, इसको दबाना पड़ेगा, अगर ये दबाएंगे नहीं और जो लगाएंगे तो आपका ये लॉक होता है, ये देखिए हैंडल के अंदर, ये डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको काटने के लिए इसको प्रेस करना ही पड़ेगा आपको। ये केवी स्टार का पेपर कटर मशीन है, KVR 200 है, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है। धन्यवाद जी।